नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की थड़ी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए राजस्थान स्टैटिक जीके का पार्ट 3 लेके आए हैं। जी हाँ, हम इस पूरी सीरीज में राजस्थान जीके से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले अपडेट्स को पा सके। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इन दोनों पार्ट्स को देख लीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। लोक देवता बाबा रामदेव जी के मेले का आयोजन किस तिथि को होता है? ये होता है भाद्रपद शुक्ला दूज से लेकर एकादशी तक, यानी 11 तक। इसे बाबे की दूज या बीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिवस को रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहते हैं? रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं उन्हें देवड़ा कहते हैं। नेजा क्या होता है? श्वेत या 5 रंग की ध्वजा होती है जो रामदेव जी उनके मंदिरों में फहराई जाती है, उसे नेजा कहते हैं। रामदेव जी के जागरण को क्या कहा जाता है? रामदेव जी के जागरण को जम्मा कहा जाता है। बाबा रामदेव ने रुणीचे में कौन से पंथ की शुरुआत की थी? कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात। मारवाड़ के पंच पीरों में किसका नाम लिया जाता है? 5 पीरों में गोगाई जी का नाम लिया जाता है। श्री देव नारायण जी को गुज्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं? विष्णु जी का अवतार मानते हैं। वीर तेजा जी का जन्म नागौर के किस गांव में हुआ था? खड़नाल गांव में हुआ था। गायों के मुक्तिदाता तथा नागों के देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? वीर तेजा जी की पूजा की जाती है। लाछा गुजरी की गाय मेर के मीणाओं से छुड़ाने में अपने प्राणों की आहुति किसने दी थी? तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों को मीणाओं से छुड़ाया था। तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है? लीलन। ये काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नागौर जिले के किस गांव में तेजा जी का मेला भरता है? नागौर जिले के पर्वतसर गांव में इनका मेला भरता है तेजा जी का। और तेजा जी का जन्म नागौर के जिले के खड़नाल गांव में हुआ था। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। काला और बाला व कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है? तेजा जी को ही माना जाता है। बाबूजी लोक देवता की घोड़ी का क्या नाम है? केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम है। बाबूजी को किसका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। कल्ला जी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था? कल्ला जी राठौड़ का जन्म मेड़ता में हुआ था। 4 हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति किसकी है? कल्ला जी की 4 हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति विख्यात है। योगाभ्यास व जड़ी बूटी का ज्ञान किस लोक देवताओं को था? कल्ला जी को इसका ज्ञान था। प्रकृति प्रेमी और पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता कौन थे? तल्लीनाथ जी प्रकृति प्रेमी भी थे। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया तल्लीनाथ जी है। अगला क्वेश्चन है, मल्लीनाथ जी का मेला किस स्थान पर भरता है? वह तिलवाड़ा। करौली के यदुवंशी राजवंश की कुल देवी कौन है? केला देवी। केला देवी करौली में है। किस लोक देवी के मंदिर में मदिरा व जल का चरणामृत भक्तों की इच्छा अनुसार दिया जाता है? शीला देवी के मंदिर में। अगला क्वेश्चन है, कन्नी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। राठौड़ों की कुल देवी व दुनिया में चूहों की देवी के रूप में किस लोक देवी को माना जाता है? कर्णी माता को माना जाता है। कर्णी माता के मंदिर में सफेद चूहों को क्या कहते हैं? काबा कहा जाता है। चूहों को काबा कहा जाता है। किस जाति के लोग कर्णी माता के सफेद चूहे को अपना पूर्वज मानते हैं? चारण जाति के लोग सफेद चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं। चौहानों की कुल देवी कौन है? जीर्ण माता चौहानों की कुल देवी है। सीकर से 7 कोस दक्षिण में खोसा गांव के पास पहाड़ियों पर किसका मंदिर है? जीण माता का। ये क्वेश्चन मैंने एक साथ लिखे ताकि आपको कंटिन्यूटी रहे और एक साथ याद करने में आसानी रहे। चारण देवियों की स्तुति को क्या कहते हैं? चर्जा। रानी सती का विशाल संगमरमर मंदिर कहां पर है? झुंझुनू में। खंडित रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? शीतला माता की पूजा, खंडित मूर्ति की भी शीतला माता की पूजा की जाती है। किस देवी का वाहन गधा और पुजारी कुम्हार जाति का होता है? शीतला माता का जो वाहन होता है वह गधा होता है और इनके जो पुजारी होते हैं वो कुम्हार जाति के होते हैं। सिखी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी कौन है?
आई माता। सिखी जाति के लोग आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह। दरगाह नाम से जाना जाता है। सिखी जाति के जो लोग होते हैं वह आई माता के मंदिर को दरगाह नाम से जानते हैं या दरगाह नाम दरगाह कहते हैं। संत जम्बो जी का जन्म नागौर के किस कस्बे में हुआ था? पिपासर में इनका जन्म हुआ था। जम्बो जी के अनुयायियों को क्या कहते हैं? बिश्नोई कहते हैं। जम्बो जी को पर्यावरण वैज्ञानिक नाम से भी जाना जाता है। ये आप क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। संत जसनाथ का जन्म कब हुआ? 1539 विक्रम संवत में हुआ था। नाथ संप्रदाय के 36 नियमों का पालन करने वाले को क्या कहते हैं? जसनाथी कहा जाता है। और बिश्नोई कौन होते हैं? जो 20 प्लस 9 नियमों का पालन करते हैं, 29 नियमों का पालन करते हैं, वह बिश्नोई कहलाते हैं। संत पीपा जी के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। रामानंद था पीपा जी के गुरु का नाम। दर्जी समुदाय के इष्ट देवता भी हैं पीपा जी। मीराबाई का जन्म स्थल नागौर के मेड़ता गांव में हुआ है। आपने देखा होगा काफ़ी जो लोक देवता लोक देवियाँ उनका जन्म नागौर के आसपास ही किसी गांव में हुआ है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर बनाई गई है? जालौर में। केला देवी का मेला किस भारतीय महीने में आयोजित होता है? चैत्र मास में इनका मेला आयोजित होता है। ख्वाजा साहब की दरगाह किस जिले में है? अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी हम आपके लिए इससे अच्छे और भी वीडियो हम लोग लेकर आते रहेंगे। अगर आपको कोई सजेशन है जिससे हम अपने वीडियोस को और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, ताकि आपके लिए हम और अच्छी क्वालिटी के वीडियोस लेकर आ सकें, जो आपका सिलेक्शन 100% पक्का करवा सकें। थैंक यू वेरी मच।